फाइनली बिग बॉस के घर के अंदर जाता ही फराह खान ने पूरे हिंदुस्तान के सामने अपने टॉप टू कंटेस्टेंट का नाम ले डाला है। जी हां, आपको बता दें कि फराह खान ने हर एक के सामने उन दो कंटेस्टेंट का नाम ले लिया है जिन्हें वो सीधा सीधा टॉप टू में देखती हैं। आपको बता दें कि फराह खान की ये टॉप टू की रैंकिंग अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग है, क्योंकि फराह खान एक ऐसी इंसान है जो इससे पहले बिग बॉस को होस्ट भी कर चुकी है। फराह खान जानती है कि किस तरह की गेम वाले कंटेस्टेंट आगे बढ़ने वाले हैं और किस तरह की गेम वाले कंटेस्टेंट आगे चलकर विनर भी बनते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि फराह खान ने जिन दो कंटेस्टेंट के नाम टॉप टू में रखे हैं, तो काफी चांसेस हैं कि वही दो कंटेस्टेंट हमें आने वाले हफ्तों में टॉप टू में नजर आने वाले हैं और उनमें से ही कोई एक विनर बनने वाला है। ऐसे में आखिर किस किस का नाम फराह खान ने टॉप टू में रखा है? क्या उन्होंने शिव को टॉप टू में रखा है, क्या साजिद को उन्होंने टॉप टू में रखा है, या फिर प्रियंका को, या फिर निमृत कोरालवालिया को? चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसे ही फराह खान बिग बॉस के घर के अंदर गई, हर कोई उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो बॉलीवुड की नंबर वन डायरेक्टर हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही फराह खान ने बिग बॉस के घर से अलविदा कहना शुरू किया, वो बिग बॉस के घर से बाहर आने लगी, उसी वक्त फराह खान ने दो उन कंटेस्टेंट का नाम ले लिया है जिन्हें वो सीधा सीधा फिनाले में देखती है, और उनकी रैंकिंग को जानकर हर कोई हैरान भी हो गया है, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर किस तरह से फराह खान ने इन दो कंटेस्टेंट को टॉप टू में रखा है, क्योंकि वही दो कंटेस्टेंट हैं जिनकी गेम काफी ज्यादा तगड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिन दो कंटेस्टेंट के नाम फराह खान ने टॉप टू में रखे हैं, काफी चांसेस हैं कि उनमें से ही कोई एक विनर बनने वाला है। तो चलिए आपको उन टॉप टू कंटेस्टेंट के नाम बताते हैं। तो बात करें अगर टॉप टू में पहले कंटेस्टेंट की जिसका नाम फराह खान ने लिया है, तो वो है शिव ठाकरे। जी हाँ, आपको बता दें कि फराह खान ने अपने भाई साजिद का नाम नहीं लिया और ना ही प्रियंका चहर चौधरी का नाम लिया जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा शिव ठाकरे का नाम ले लिया और कहा कि जिस तरह की गेम शिव ठाकरे की है, मैं जिस तरह से घर के बाहर से उन्हें देख रही हूँ, ये पूरा पक्का हो चुका है कि पहले नंबर पर शिव ठाकरे ही रहने वाले हैं। बात करें अगर दूसरे नंबर के कंटेस्टेंट की, तो फराह खान ने दूसरे नंबर पर दो कंटेस्टेंट को रख डाला है। उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पर मुझे लगता है कि इन दो कंटेस्टेंट में काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है, और वो हैं साजिद खान और एमसी स्टैन। जी हां, आपको बता दें कि एमसी स्टैन के बारे में फराह खान ने कहा कि घर के बाहर उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है, यही बड़ी वजह है कि मैं उसे टॉप टू में रख रही हूँ, साथ ही साथ मेरे भाई साजिद की गेम काफी अच्छी है। तो ऐसे में आपको फराह खान के टॉप टू कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट करें, और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।